हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं सिनेमा सागा भाईजान मिशन रानीगंज। अक्षय कुमार की ये फिल्म जो अभी रिलीज हुई, जस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं और आज 5वें दिन तक के इस मूवी का मैं आपको कलेक्शन बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं इस मूवी का फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे भी क्या कलेक्शन फिल्म कर सकती है, मेरे ओपिनियन में क्या होने वाला है तो आपको सब बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बताऊँ, पहले दिन इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो किया था 2.8 करोड़ का, दूसरे दिन 4.8 करोड़ का, तीसरे दिन 5 करोड़ का, चौथे दिन 1.5 करोड़ का और कल के दिन 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया। और इस फिल्म ने अपने पहले 5 दिन के अंदर 15.6 करोड़ का कलेक्शन किया। और आपको बताता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो है वो 100 करोड़ का बजट है। जी हाँ जी, 100 करोड़ का बजट है। और यहाँ पे ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 18.5 करोड़ का कलेक्शन है और ओवरसीज की बात करें तो 13.5 करोड़ का कलेक्शन है यहाँ पे इस फिल्म ने कर लिया है अब तक 5 दिन में। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये फिल्म 22 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पे कर चुकी है। और फिल्म का जैसे कि पता कि बजट 100 करोड़ है और 100 करोड़ होता हुआ इस फिल्म का बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखते हैं भाई क्या सीन है कि फिल्म क्या वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि फिल्म मुझे 100 करोड़ पूरा करते हुए नजर नहीं। हाँ, लेकिन एक हफ्ता ये अब जो नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है, ये एक वीकेंड है इस मूवी के पास जो जिस इस वीकेंड में ये मूवी अपना अच्छा कलेक्शन कर सकती है और यहाँ से 100 करोड़ तो मुझे जाते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही। और आज के दिन में फिल्म 1.5 से 2 करोड़ का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, क्या ये 100 करोड़ के पास जाएगी, अपना बजट से रिकवर करेगी? क्योंकि हिट होती हुई तो नजर नहीं आ रही है, एवरेज हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन आप बताएं जरा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह की वीडियोस के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लाइक।